प्रिंसिपल रंगीली थी और जो क्लास टीचर थे उनके साथ उनका अफेयर था, हो सकता है ये बच्ची देख ली हो इस कारण जो है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। एक लड़की मर जाती है या एक औरत मर जाती है तो उसको चरित्र पे उंगली उठा दो कि उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले दब जाएं और वो शर्मसार होके या तो सुसाइड वो भी कर लें या तो फिर घर में कहीं डर के डुबक के बैठ जाएं। जांच 9 तारीख की हुई थी तो उसमें चरित्र पर उंगली उठा दी गई थी कि दो लोगों इसमें लोगों की गलती नहीं है, दो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे वो बात कर रही थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर दो लोग गलत थे या कुछ थे तो एक ही दिन बाद दो ही दिन बाद क्यों छोड़ दिया गया उन्हें? लोग बोले थे कि ये ज़्यादा चलेगा नहीं, बड़ा पार्टी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये लोगों की सोच कहाँ से आती है, मतलब कि एक अपने घर का बच्चा गया है दुनिया से और कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें कर रहे हैं या लोगों के दिमाग में ये डाला गया? ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा सोच लें, क्योंकि मैंने शुरुआत से यही कहा है कि हमें खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, वो चाहे कितने भी बड़े हों। पावर, पैसा और पोजीशन के आगे न्याय हार जाता है नॉर्मली। और जब वो लोग छूटे थे, मतलब केस खत्म हुआ था, तो सब ने कहा कि देखिए आखिरकार पैसा जीत ही गया। कुछ लोग कमेंट में करके बोले, कुछ लोग व्यंग में बोले, लेकिन बोले। ये आपके वकील से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि डेट पड़ा हुआ है जमानत का, उसके पहले ही रातों रात केस दफा रफा हो गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि याचिका अगर आपने दी है तो वो बहुत विस्तार से पढ़ा जाता है, याचिका जो वहाँ जमा होती है उसको अधिकार, मतलब एकदम विश्वास दिला के गए हैं कि वो याचिका अगर पढ़ेंगे तो इस पे जरूर कार्रवाई होगी। तो वो बोले कि मतलब आप जो है कि इसमें तो सब कुछ हो गया। मैं कहा सर कुछ हुआ नहीं है इसमें, क्योंकि वो मतलब उनको पता था कि इसमें जो रिहाई हो चुकी है वो उनको पता था ऊपर की, मतलब कि न्याय हो चुका, न्यायालय से हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हुए हैं श्रेया के घर पे, श्रेया तिवारी, आजमगढ़ जो ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी हुई है। और यहां पर हमारे साथ भी बैठे हैं श्रेया के मम्मी पापा जो कल गए हुए थे आदित्यनाथ योगी से मिलने गोरखपुर, और आज इनके घर खुद आज चल करके आए हुए थे हमारे आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी। तो क्या क्या बातें हुई जब आप लोग गए हुए थे योगी जी के पास में? बातें कुछ ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास उतना वहाँ समय होता नहीं है। बस उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि मैं आजमगढ़ से आई हूँ, श्रेया तिवारी की मम्मी हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो वहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं तो काफ़ी भीड़ रहती होगी। हाँ, वहाँ 500 के 600 के करीब आदमी थे, सबकी याचिका आई थी। मेरा तो 12वें या 11वें नंबर पर मेरा था। तो वो बोले कि मतलब आप जो है कि इसमें तो सब कुछ हो गया। मैं कहा सर कुछ हुआ नहीं है इसमें, क्योंकि वो मतलब उनको पता था कि इसमें जो रिहाई हो चुकी है वो उनको पता था ऊपर की, मतलब कि न्याय हो चुका, न्यायालय से हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा सर न्यायालय से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये थाने से उनको बेल मिल गई है जो आज तक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि शायद उन्हें आधी अधूरी जानकारी मिली है, लेकिन मैंने याचिका जो दी है उसमें प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी आज सांसद जी आए थे तो मैंने उनसे भी जब ये चीज़ें कही तो उन्होंने कहा कि याचिका अगर आपने दी है तो वो बहुत विस्तार से पढ़ा जाता है, याचिका जो वहाँ जमा होती है उसको अधिकार, मतलब एकदम विश्वास दिला के गए हैं कि वो याचिका अगर पढ़ेंगे तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी और आगे आपको न्याय मिलेगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से आप बात नहीं कर पाई सही से, क्या क्या बातें हुई? सिर्फ बताया ना मैंने कि बस यही उन्होंने बोला और उसके बाद कहे कि अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आगे इसकी जाँच होगी। अभी आपके वकील से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि डेट पड़ा हुआ है जमानत का, उसके पहले ही रातों रात केस दफा रफा हो गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने कहावत सुनी होगी ना, तो जब कोई गलती करता है तो उस गलती को छिपाने के लिए फिर गलतियाँ करता है। तो ये झूठ को सच बनाने की कोशिश में ये झूठ पे झूठ खड़े किए जा रहे हैं। ये आगे अपनी ही इसी झूठ में फंसेंगे, क्योंकि मैंने कहीं झूठ नहीं बोला है। मैं अपनी बेटी के साथ जो मुझे पता था, जो मैंने वहाँ देखा था, मैंने वही सच्चाई रखी है। कहीं मैंने मेरे बयान में आज तक आप लोग कोई फर्क नहीं देखे होंगे। ये एक डर लोगों को ये भी रहता है कि पावर, पैसा और पोजीशन के आगे न्याय हार जाता है नॉर्मली। और जब वो लोग छूटे थे, मतलब केस खत्म हुआ था, तो सब ने कहा कि देखिए आखिरकार पैसा जीत ही गया,
कुछ लोग कमेंट में करके बोले, कुछ लोग व्यंग में बोले, लेकिन बोले, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दो दिन हम फैमिली इसलिए थोड़ा चुप हो गए थे, मीडिया से भी थोड़ी दूरी इसीलिए बनाया था क्योंकि मेरी बेटी की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है उसको शांत करना बहुत जरूरी था। इसलिए हम खुद ही 13 दिन उसका पूरा क्रियाक्रम नहीं कर पाए थे, कुछ दिन तीन रात में ही करना था हमें, तो इसलिए 3 दिन में जो करना था उसको विधि विधान से करना था। तो पंडित जी बोले कि अगर नहीं करेंगे, घर वालों ने भी बोला कि अगर नहीं किया जाएगा तो उसकी आत्मा को नहीं शांति मिलेगी, तो आप केस लड़ भी और जीत भी लोगे तो क्या करेंगे इसे, तो पहले ये 2 दिन तुम ये कर लो, उसके बाद फिर लड़ाई तो बहुत लंबी चलनी है। तो मुझे भी लगा सही बात है, पहले इसको कर लेते हैं। तो मैंने उसी दौरान ये चीज़ की और लोगों के दिमाग में ये डाला गया, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा सोच लें, क्योंकि मैंने शुरुआत से यही कहा है कि हमें खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, वो चाहे कितने भी बड़े हों। जहाँ तक खरीदने की बात आप कर रही हैं, तो हम लोग सोमवार को ये घटना हुई थी और मंगलवार को आए हुए थे, तो लोग बोल रहे थे कि ये केस ज़्यादा चलेगा नहीं, जितना अभी वर्तमान में चल रहा है, आज 15वां दिन है, जितना हाईलाइट हो गया है, मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है, पूरा नेशनल मीडिया इसको कवर करा करके, लोग बोल रहे थे कि ये ज़्यादा चलेगा नहीं, बड़ा पार्टी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये लोगों की सोच कहाँ से आती है, मतलब कि एक अपने घर का बच्चा गया है दुनिया से और कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें करते हैं। ऐसा है कि हमारे समाज में भाई स्थितियाँ सच में पैसे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत खराब है। माँ बाप बच्चों को लेके, बच्चियाँ हैं तो बच्चियों को लेके कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो एक बच्ची तो चली गई, लेकिन दूसरे माँ बाप ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं चलो अगर एक बच्ची चली गई या एक बेटा चला गया तो दूसरे बच्चे का भविष्य से सुधर जाएगा, तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए करते हैं, वो करते भी हैं तो अपने एक दूसरे बच्चे के लिए ही करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा बच्चा हम पाल देंगे। अगर हमने अपनी बेटी को 16 साल पाला था, उसे हर सुविधाएं दी थी, हम भले गरीब हैं लेकिन हमारी बच्ची कहीं कमज़ोर नहीं थी, कहीं से कुछ उसकी कमी नहीं थी, क्योंकि उसकी फ्रेंडों से अगर आप बात करेंगे तो वो बताती थी कि हम पापा से या मम्मा से कुछ मांगते हैं तो हमें तुरंत मिलता है। भाई से अपने अगर कोई चीज़ की उम्मीद करती, भाई भी वो करता है, छोटा था लेकिन उससे ज़्यादा समझदार था, उसको समझता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, हर माँ बाप नहीं कर पाते, स्थिति हो जाती है, हमारी भी स्थिति खराब है, लेकिन मेरी बेटी नहीं वापस आएगी। और अगर मैं पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती हूँ तो मैं फिर वो निवाला कैसे अपने गले में डालूंगी जो मेरी बेटी के लिए एक, मतलब मैं तो नहीं सोच सकती कि कोई माँ ऐसा कर सके। किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं ये बात है। हाँ, ये जब शुरू में हुआ था तो जब जांच 9 तारीख की हुई थी तो उसमें चरित्र पर उंगली उठा दी गई थी कि दो लोगों इसमें लोगों की गलती नहीं है, दो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे वो बात कर रही थी, इस पर क्या कहना चाहिए? अगर दो लोग गलत थे या कुछ थे तो एक ही दिन बाद, 2 ही दिन बाद क्यों छोड़ दिया गया उन्हें? साबित करना चाहिए था ना? तो पता ही नहीं चला, मतलब ये चीजें पता चली कि दो लोग गुनहगार थे जिनसे बात करती थी वो, और उनको पकड़ा गया, ये छोड़ने का तो कोई पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला, क्यों नहीं पता चला, क्यों बताया नहीं, बताना चाहिए था उसको, मीडिया के सामने लाना चाहिए था कि लड़की के लिए ये अपराधी है, इसके चलते लड़की ने सुसाइड किया। आप लोगों के सामने लाए थे, प्रशासन लाया था ना, तो फिर आपने कैसे मान लिया कि कोई था ही? कहानी भी तो हो सकती है, वही वही बात, हम तो नहीं, हम भी नहीं मिले, हम भी नहीं जानते हैं कोई कौन पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, हमें क्या पता, पकड़ा भी गया था कि नहीं पकड़ा गया था, इसका क्या वो है प्रूफ? तो ये चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि एक लड़की मर जाती है या एक औरत मर जाती है तो उसको चरित्र पे उंगली उठा दो कि उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले दब जाएं और वो शर्मसार होके या तो सुसाइड वो भी कर लें या तो फिर घर में कहीं डर के डुबक के बैठ जाएं। तो क्यों डरना, मैं हर माँ बाप से कहती हूँ कि लड़की आपकी चाहे आपसे बात करती है कि नहीं करती है, लेकिन आप तो इतना विश्वास करिए कि हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती, बच्ची के साथ में, ना कि दुनिया की समाज की बात ना सुनिए। और मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जाना है और आगे भी मैं जानती हूँ, वो आज नहीं है लेकिन तब भी मुझे एहसास है कि मेरी बेटी इर्द गिर्द मेरे पास है और वो मुझसे यही उम्मीद करती है कि मेरी मम्मा मेरे लिए लड़ाई लास्ट तक लड़ेगी जब तक मुझे ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था या मैं गलत नहीं थी। एक न्यूज़ चैनल पर हमने न्यूज़ देखी, वो बता रही थी कि लग रहा है कि प्रिंसिपल रंगीली थी और जो क्लास टीचर थे उनके साथ उनका अफेयर था, हो सकता है ये बच्ची देख ली हो, इस कारण जो है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। देखिए, ये मैं इस सब के बारे में, मैं किसी के चरित्र के बारे में कुछ नहीं जानती और ना मेरी बेटी ने मुझसे कुछ कहा है,
जो चीजें बातें हुई नहीं, जो आप आरोप लगा रही उनके साथ मर्डर हुआ है, आत्महत्या उन्होंने नहीं करी है, हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा हो आशंका वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि बगावत करने वाले जो क्रांतिकारी लोग होते हैं उनको तो आपने देखा ना कि हिटलर लोग या आपके जो है अंग्रेज शासक ने फांसी दे दी, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया था? नहीं, सिर्फ आवाज ही उठाई थी ना, तो हो सकता है मेरी बेटी ने किसी चीज के लिए आवाज उठाई होगी, तो इसके लिए भी तो मार सकते हैं, संभावना है। हाँ, बस यही संभावना है। अभी आज नीरव जी आए हुए थे, क्या क्या बातें हुई? उन्होंने बस यही बताया कि हम आपकी बेटी को न्याय दिलाएंगे, अगर आपकी मतलब बेटी के साथ कहीं गलत हुआ है तो उसकी जांच फिर से होगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा, और आप उच्च न्यायालय का भी रुख करिए, क्योंकि आपके पास अधिकार है ये चीज का कि आप कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं इससे संतुष्ट भी हूँ कि वो आए और ये चीज आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। लोग शुरू से कह रहे थे कि मतलब कि आजमगढ़ के सांसद विधायक कोई भी देखने के लिए नहीं आया, लेकिन एक उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार हो सकता है कि संज्ञान में ले, नीरव जी आए। अब आए हैं, शुरू में तो नहीं आए, लेकिन लोग इंतजार तभी कर रहे थे, तब तो नहीं आए, लेकिन बाद में आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो बताया भाई, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बताया कि वो दिल्ली थे, तो इसलिए दिल्ली में थे तो इसलिए नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ सांसद के कामों में कुछ बिजी थे जब उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, वो कह रहे थे कि हम वहाँ रह के भी वॉच कर रहे थे कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, या स्कूल वाले क्या बयान दे रहे हैं। वो कहे हम सोशल मीडिया के ही द्वारा हम देख रहे थे, तो इसलिए जब हमें समय मिला तो हम आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आए थे आज आश्वासन दिए हैं कि आपको न्याय करेंगे, हम क्या कहना चाहेंगे? न्याय तो कहे हैं तो जरूर होगा, और बोले हैं कि आप जो है न्यायालय में भी जो है वो करिए, और आपका अधिकार है, और न्यायालय में जहाँ जो चीज़ नहीं मिला वो न्यायालय खुद जो उसको साबित करेगी, और इस तरीके से बोला है। आजमगढ़ के सांसद जिस तरह से आए हैं, आपके घर आकर सपोर्ट किए हैं, तो इससे लगता है कि कुछ केस मजबूत होगा? जरूर, अगर वो लोग अगर सरकार चाहेगी तो केस मजबूत होगा ही, और न्याय भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको इस पे क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।